जो गांव है, आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोग तो हर घर बिजली पहुंचा दिए, अब इसके बाद सब गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। आप समझ गए, पूरा गांव में बाहर लगवा देंगे ऊंचा ऊंचा सोलर स्ट्रीट लाइट। घर में अपना बिजली बंद करिए, पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर स्ट्रीट लाइट से, ताकि किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो आगे मौका दीजिएगा तो हम ये सब काम करेंगे। और किसी को कुछ है, ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी दे गया, पैसा कहां से आवेगा तुरा? कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही तू धंधा लगो शुरू करे लोग, कहने की बात है? अरे सब संभव है, हम कितना बताएं? 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए जी, और 10 साल बिहार झारखंड एक था, और हम लोगों ने तो कितना दिया, 6 लाख से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम सबको कितना काम दिया बताइए? पढ़ते नहीं थे? हमने आकलन करवाया था कि कौन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर रह जाते हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित बच्चे और बच्चियां, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां। तो उनके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो हम लोगों ने काम कराया, आप जरा समझ लीजिए किस तरह से लोगों को पढ़ाने का काम, और उसमें जो 30,000 ऐसे लोगों को हम लोगों ने काम में लगाया, उसको 60 साल तक काम करने का मौका, अब बराबर उनका तनख्वाह बढ़ाना, सब तरह की सुविधा देना, ये सब काम करते चले जा रहे हैं। विकास मित्र बताइए, जितने गरीब गुरबा जो सब महादलित दलित परिवार के लोग हैं, उन गांवों को सरकार की योजनाओं का जानकारी ही न मिले, सब चीज की उसको वहां क्रियान्वित हो जाए, इसके लिए जो हम लोगों ने रखा विकास मित्र, आप बताइए एक एक काम के लिए कितने लोगों को, अभी कह देगा कोई? कहने से कुछ होता है जी, करने का कोई अनुभव हो, करने का कोई समझ हो। हम तो किसी भी काम को करते हैं, सब लोगों की बात को सुनते हैं और देखते हैं कितना काम करते रहते हैं। आप जरा बताइए, हम समाज सेवा के लिए काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, अरे 10-15% आदमी, 10% आदमी तक गड़बड़ बाएं दाएं करवे करेगा, हम जानते हैं। आप कुछ भी कर लीजिएगा बाएं दाएं करेगा, लेकिन महिलाओं की जो परेशानी होती थी घर में, हम तो सब जगह घूमे, महिलाओं से पूछना शुरू किए, और कहती थी महिला एक जगह बोली कि भाई मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर लौट करके आते थे, हम लोगों से झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी हो गया अब शाम में हमारे अनेक झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन अब जब शराबबंदी लागू हो गया तो अब शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं, और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। अब आप बताइए, ये सब काम जो हम करते रहे, कोई काम छोड़े हैं जी?